तो मेंटल हेल्थ दिवस के मौके पर डीजी कॉलेज में भावना सोसाइटी डिसेबल संस्था और जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सत्यदेव पचौरी और सीएमओ कानपुर डॉक्टर नेपाल सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सत्यदेव पचौरी ने दीप जलाकर किया, जिसके बाद बच्चों को सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर जागृति सिंह ने बताया कि हमारे लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और समाज के लोग आज भी ऐसे बच्चों के साथ नहीं जुड़े हैं जिनके घर में भी इस तरह के बच्चे होते हैं। उनका मानसिक स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान देना है, उनको किस तरह से स्ट्रांग बनाना है, ऐसे बच्चों के माता पिता को इस बारे में बताने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोसाइटी द्वारा विश्व मेंटल हेल्थ दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें संस्था के सभी सदस्य और सीएमओ कानपुर तथा अन्य डॉक्टर्स उपस्थित थे और संस्था द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी गई। इसके यहाँ पर साक्षात उदाहरण भी मिले कि कुछ बच्चे हैं जो कुछ दुकान चला रहा है, कुछ आईएएस की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और एक लड़की थी जो अपनी घर में ही ये सब पकवान बना रही है। यानी इसका मतलब ये है कि हम अगर बच्चों को इंगेज रखेंगे, उनको काम देंगे तो वो इंगेज रहेंगे, तो उनको भी हम ऑर्डर में ला सकते हैं। डिसऑर्डर को भी काम के द्वारा ऑर्डर में लाया जा सकता है। ये सोसाइटी काम कर रही है, महत्वपूर्ण काम कर रही है और समाज सेवा का काम है, और समाज सेवा का काम है माने ईश्वरी काम जी। आज एक्चुअली मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम हमने गवर्नमेंट के साथ में जो है मिलके किया है और भावना सोसाइटी फॉर डिसेबल के लिए आज का दिन जो है वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पूरा समाज के लोग जो है बहुत नज़दीक से हमारे इन बच्चों के साथ में, इनके पेरेंट्स के साथ में जो है वो नहीं जुड़े हैं कि वो ये जिसके घर में भी इस तरह का ऐसा बच्चा होता है तो वो उनके लिए बहुत उनका स्वास्थ्य, उनके मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान देना है, उनका मानसिक स्वास्थ्य अपने आप समाज की जो विचारधारा है समाज की इन चीज़ों को देखते हुए अपने आप उनका मानसिक स्वास्थ्य कुछ ना कुछ, वो कितने भी स्ट्रांग हों लेकिन वो जब उनके किसी घर में ऐसा बच्चा है तो वो अपने आप मानसिक स्वास्थ्य उनका कुछ ना कुछ दिक्कत करता है, तो उनको स्ट्रांग बनाने के लिए, उनको इस जो है कड़ी में उनको और आगे पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ये भावना सोसाइटी फॉर डिसेबल ने आज जो कार्यक्रम किया है ये उनको उस पूरी तरह से जो है मोटिवेट करने का ये कार्यक्रम है और ताकि उनको हम और सपोर्ट कर सकें, क्योंकि बच्चों का तो ध्यान देखिए हमारे यहाँ थेरेपीज़ होती हैं और बच्चों की तो थेरेपीज़ हम प्रॉपर करते ही रहते हैं, लेकिन आज का जो दिन है वो बच्चों के साथ साथ हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको मजबूत बनाने का दिन है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmtnews।